हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक 70 इंची का टीवी आया रिपेयर होने और इसमें प्रॉब्लम है कि बैक लाइट और डिस्प्ले दोनों नहीं आ रही है। और इसका मॉडल मैं आपको बता दूं तो ये है 70A71F और इसी को आज हम रिपेयर करेंगे। चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि और भी रिपेयरिंग का वीडियो आए तो आप तक जरूर पहुँच सके। तो 70 इंची का टीवी हम कैसे रिपेयर करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, टिकॉन का है या लॉजिक का है, क्या प्रॉब्लम है, इसी को आज हम फाइंड करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे हम इस टीवी को देखिए, खराब क्योंकि बड़ी बहुत बड़ी टीवी आती है, इसमें दो आदमी को लगता है उठाने में। तो इसमें जैसे ही हम इसको क्या नाम है ऑन करते हैं तो LED जो होती है, जो इसकी इंडिकेटर है, वो तो ब्लिंक करती है। देख सकते हैं यहाँ पर ब्लिंक करती है, ऑन कंडीशन में जाती है, बट इसमें ना ही बैक लाइट आ रही है ना ही डिस्प्ले आ रही है। तो इसी को रिपेयर करेंगे आज। हम इसका बैक कवर को ओपन कर दिए, आप देख सकते हैं, और इसमें देख सकते हैं लॉजिक ये लगी हुई है, लॉजिक है, और इसमें चॉट कंपनी का डिस्प्ले लगा हुआ है, और इसका एक यहाँ पे कन्वर्टर है जो कि कार्ड से कन्वर्टर पे जाती है, कन्वर्टर से आती है लॉजिक पे, उसके बाद पैनल ऑन होता है। एक पावर सप्लाई लगा हुआ है दोस्तों। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी यही हमें फाइंड करना है। चैनल पे आप नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी आपको LED TV रिपेयरिंग का वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा। टेक्नीशियन है तब भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप घर से देख रहे हैं फिर भी आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे हम ऑन करते हैं देख सकते हैं ना ही बैकलाइट जल रहा है और ना ही इसमें डिस्प्ले आ रहा है, और इसका OC भी तक नहीं आ रही है दोस्ती, जो डिस्प्ले होती है आगे की पिक्चर वो भी नहीं आ रही है, ना ही बैकलाइट जल रही है, ओनली फॉर इंडिकेटर ब्लिंक करता है, लगता है जैसे कि ये TV ऑन हो रही है बट ऑन नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑन करके हम बैकलाइट पे वोल्टेज को चेक कर लेते हैं कि बैकलाइट वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है, ये की सप्लाई की प्रॉब्लम है या मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है। तो अच्छी तरह से मुझे चेक कर लेना है, तो मैं अपना मीटर को ले आता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे मीटर ले आया हूँ, थोड़ा सा ग्राउंड पे मैं लगा देता हूँ। अब इसका वोल्टेज चेक करता हूँ। जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं 1.6 वोल्ट के लमसम में आ रही है, और ऑन कंडीशन में इसमें आनी चाहिए कम से कम 150 वोल्ट के लमसम में आनी चाहिए। तो मैं फिर से एक बार TV को ऑन करता हूँ, यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और वोल्टेज को चेक करता हूँ। ऑन करना तो कोई वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रही है दोस्तों, देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं शो कर रही है, इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है वहाँ देख सकते हैं नीचे आप, और कोई वोल्टेज 35 वोल्ट के लमसम में आ रही है, मतलब कि वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है लेकिन वोल्टेज सही से बन नहीं रही है दोस्तों। तो इसको ईजिली हम रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि सप्लाई की फॉल्ट भी हो सकती है, मदरबोर्ड की फॉल्ट हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सप्लाई में दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, जो कि मेन फिल्टर लगे हुए हैं वो फुली हुई है, और इसी को हम एक्सचेंज करके उसके बाद भी फॉल्ट देखेंगे कि डिस्प्ले क्यों नहीं आ रही है। इसको चेंज करने से तो वोल्टेज तो हमारे अंदाज से प्रॉपर बन जाना चाहिए, बट डिस्प्ले क्यों नहीं आ रही है ये भी हम फाइंड करेंगे। तो इसको क्या कर लेंगे, हम सेम कैपेसिटर को इतनी लंबी, क्योंकि हम कंपनियाँ काम करते हैं दोस्तों, तो हम कोई जुगाड़ नहीं कर सकते हैं इसके अंदर, हमें सेम कैपेसिटर लगाना पड़ेगा जो 450 वोल्ट का है। तो मुझे 450 वोल्ट की इतनी ही लंबाई और इतना ही लेंथ का कैपेसिटर इसमें यूज़ करना पड़ेगा, जो एल्को है इतना ही लेंथ और इतनी लंबाई का मुझे कैपेसिटर को यूज करना ही पड़ेगा, और इसी एम्पियर है, क्योंकि कंपनी का जब काम होता है दोस्तों तो सेम लगाना पड़ता है, कोई जुगाड़ का कैपेसिटर हम नहीं लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस कैपेसिटर को हम आपको चेंज करके उसके बाद का फॉल्ट दिखाएंगे कि डिस्प्ले क्यों नहीं आ रही है। इससे तो हमें लग रहा है कि बैकलाइट तो जल जाएगी बट डिस्प्ले क्यों नहीं आ रही है, इसको भी फाइंड करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मैंने ये कैपेसिटर को ओपन कर दिया यहाँ से, अब मैं दूसरा लगा देता हूँ कैपेसिटर। आप देखते हैं ये कैपेसिटर मैंने लाया है और इसको मैं इसमें इंस्टॉल कर दूंगा, दूसरी कैपेसिटर इसमें लगा दूंगा। और कैपेसिटर लगाने के बाद हम दूसरा एक ये फाइंड करने वाले हैं कि कैपेसिटर लगाने के बाद हमारा डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा है, वो भी हम चेक करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को ज़रूर आप लास्ट तक ज़रूर देख लेना, ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम क्या है नहीं है। तो मैंने यहाँ पर कैपेसिटर को लगाना स्टार्ट कर दिया है, तो आपको कैसा वीडियो लगता है आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, मैंने यहाँ पे कैपेसिटर को लगा दिया, आप देख सकते हैं कैपेसिटर को मैंने यहाँ इंस्टॉल कर दिया, और ख़राब वाला ये कैपेसिटर है। अब हम इसको क्या करेंगे, TV में इंस्टॉल करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे TV में इंस्टॉल कर लेते हैं इसे, कम से कम दो स्क्रू तो मैं ज़रूर लगा लूँगा ताकि ये स्पार्किंग करने का डर ना रहे, तो दो स्क्रू हम इसमें लगाएंगे दोस्तों। अगर आपके भी घर में कोई भी TV ऐसी प्रॉब्लम आती है, कैपेसिटर फुला है, तो आप इजीली कैपेसिटर चेंज कीजिए, और नहीं तो नज़दीकी कोई टेक्नीशियन है उसको उससे संपर्क कीजिए, क्योंकि कैपेसिटर के ज़्यादा पैसे लगते नहीं है दोस्तों, और सप्लाई में अगर कुछ और शॉर्ट होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो अब यहाँ पर आप वोल्टेज हम चेक करते हैं कैपेसिटर चेंज करने के बाद ऑन टाइम में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो वोल्टेज यहाँ पे मेरा सही बन गया है दोस्तों, और ये बोर्ड रहा बोर्ड ऑन हो चुका है देख सकते हैं यहाँ पर, और वोल्टेज भी पूरा प्रॉपर बन चुकी है दोस्तों। तो एक बार और मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखा दूं।
एक बार निकाल के फिर से मैं लगाता हूँ दोस्तों।